नमस्कार, आज करते हैं राजस्थान की बात अरीफ के साथ। हाँ जी, अरीफ राजस्थान अब बहुत अप्लाई कर रहे हो आजकल अरीफ के अंदर। हाँ, एडमिशन का टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना का टॉप रहने वाला भैया। वैसे क्या प्रोसेस है? एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सटेंड हो चुका है, शेड्यूल भी एक्सटेंड हो चुका है। खैर, हम आज बात करेंगे राजस्थान के कुछ अच्छे कॉलेज है, चॉइस भी लेंगे कितना का टॉप रहेगा भैया। हाँ जी, अभी तक तो आपका अब अरीफ का आपका आ चुका है भैया। हाँ जी, आपका सारा का सारा चिट्ठा आ चुका है, कितनी रैंक आपकी अरीफ राजस्थान में कितनी रैंक आ रही है। वैसे आपकी जेई में कितनी भी रैंक आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रीक में कितनी रैंक आ रही है भैया, रीक में कितनी रैंक आ रही है उससे फर्क पड़ता है। आपकी 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, 500 रैंक है, ओबीसी एससी एसटी में कितनी रैंक है, जनरल में कितनी रैंक है। 15 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। हाँ जी, एमबीएम का सीएससी, जेई सीआरसी का सीएससी, .2.2.N का सीएससी। यार वैसे राजस्थान वाले बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है भैया, हाँ जी राजस्थान। हाँ, अब बाहर वाले कॉलेजेस वाले क्या करते हैं, 15% काट लेते हैं, लेकिन राजस्थान में तो 15 कॉलेज ही नहीं अच्छे। हाँ, फिर क्या करें भैया, अच्छे कॉलेज। हाँ, एमबीएम जोधपुर और उसके बाद में सीटीयू उदयपुर, आरटीयू कोटा, हाँ अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब क्या इनके अंदर इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंडिंग इन्वेस्टमेंट कुछ मिलेगा? हाँ, हमारे पास भी बड़ा बड़ा आइडिया भैया, मारवाड़ी लोग है, कुछ नया बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाओगे? हाँ, यहाँ पे ना कोई अमेजोन आता, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, जीसो, गूगल, कोई कुछ नहीं आते यहाँ पे। हाँ जी, इधर आता है तो बिस्लेरी, और वो भी ऊंट वाला। हाँ, अगर अच्छा पानी नहीं मिला तो वो भी तुम्हारे मुंह पे पानी मारेगा भैया, बिस्लेरी ला, बिस्लेरी था। देखो, 15 से लेके 18 तक आपको चॉइस फिलिंग का दिया गया है। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपको देखना भैया लोकेशन। हाँ जी, आप जयपुर के अंदर हो, हाँ आप उदयपुर में हो, आप अजमेर के अंदर हो, आप जोधपुर के अंदर हो, अब ठीक है भैया। हाँ, छोटी मोटी इंटर्नशिप मिल जाएगी, एयरपोर्ट है, ट्रेन है, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे भैया। हाँ जी, जोधपुर में कोई इंडस्ट्री है छोटी मोटी, जयपुर में आईटी कंपनीज है, उदयपुर में भी ठीक है कुछ कॉलेज का जुगाड़ हो जाएगा, अजमेर में भी कुछ फैक्ट्री कंपनी है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बांसवाड़ा, हाँ सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, हाँ इधर जितने भी बांसवाड़ा कॉलेजेज हो गए, करौली हो गए, भीलवाड़ा हो गए, बहुत कॉलेजेज है, गवर्नमेंट ने बहुत खोल रखी है। इधर वैसे प्राइवेट तो नहीं है, हनुमानगढ़ हो गया आपका, हाँ श्री गंगानगर हो गया, इधर आपके प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं, भर भर के हर कोने में कॉलेज है। आप पत्थर फेंक के मारोगे आपको कॉलेज पे जाके लगेगा। वहाँ पे प्लेसमेंट, इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता कुछ, वहाँ पे होता है अटेंडेंस। हाँ जी, आप अगर छुट्टी करोगे 5000 रुपए भर के आप जो है अपनी डिग्री ले सकते हो पूरी 4 साल की। हाँ जी, ऐसे कॉलेजेस होते हैं वो। वैसे अच्छे कॉलेज कौन से होते हैं राजस्थान में, कुछ अच्छे कॉलेज हम आपको बताएंगे। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है, पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। आपकी अगर 500 रैंक आ रही है ना, अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, आपकी अगर रैंक 100-200 आ रही है, हाँ जी लास्ट तक आपकी वैसे सीएससी ऑलमोस्ट 150 रैंक तक क्लोज हो जाता है। हाँ जी, 150 रैंक तक। वैसे एमबीएम जैसे कॉलेजेस के अंदर काफी कम सीटें रहती है। हाँ जी, तो आपके घर 100 के अंदर अंदर रैंक आ रही है, हाँ जी, तो आपको किसी ना किसी कॉलेज के अंदर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको अच्छे कॉलेज जैसा कि एमबीएम, आरटीयू, सीटीआई, अजमेर, जेईसीआरसी, पूर्णिमा, खैर प्राइवेट को छोड़ के अगर कुछ कॉलेजेस के अंदर अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए भैया, जी कोई सी भी ब्रांच चलेगी, बेरोजगार रह लेंगे आप कॉलेज के अंदर थोड़ा बस मजे मार ले, हाँ तो उसके लिए आपको कम से कम 500 रैंक चाहिए। हाँ जी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 500 रैंक होनी चाहिए। आपकी अगर 1200-1300 रैंक आ रही है, देन आपका स्पोर्ट राउंड, कट ऑफ राउंड, ओपन राउंड, उसके अंदर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब बस अरीफ राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट टोटली मैक्सिमम 7 से 8 अच्छे कॉलेज है जो जिनके अंदर आपको पढ़ना चाहिए, वरना तो अरीफ राजस्थान के अंदर टोटली 14,000 से ज्यादा सीटें हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 7,000 के लगभग 5 से 6,000 सीटें भर जाती है और सारी की सारी सीटें खाली रहती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट ने कॉलेज खोल रखे हैं, जैसा कि प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, हाँ जैसलमेर, अब बीकानेर, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट है। आजकल तो हमारे गहलोत जी ने बहुत सारे जिले बना दिए, हो सकता है बहुत सारे कॉलेज दूसरे जिले में चले गए। हाँ जी, एमबीएम कौन से जिले के अंदर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा भैया, उसको कौन सा जिला पड़ा है आजकल। हाँ, खैर राजस्थान वाले बच्चों के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा भैया। हाँ जी, आपका नंबर बहुत लेट आएगा, अगस्त के अंदर आप लोगों को अलॉट की जाएगी। हाँ जी, पहले TFWS वाले का नंबर आएगा, जिनको बिल्कुल फीस नहीं देनी है, फुल मजे मारने हैं बिना फीस के ही, और जो कुछ बच के उनका जो बाहर से आ रहे भैया विदेशी लोग राजस्थान के अंदर वेलकम बिस्लेरी के साथ। हाँ जी, और जो बच के उनका बाद में देखा जाएगा। यार आप भी बहुत परेशान होंगे भैया। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वैसे क्रेजी ब्रांच कौन सा? हाँ जी, क्रेजी ब्रांच कंप्यूटर साइंस में तो बहुत भीड़ है, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एविएशन, हाँ जी ग्रीन
एनर्जी है जी, ग्रीन एनर्जी बहुत चल रहा है, सूर्य प्लेटों का बहुत फ्यूचर है हमारे देश के अंदर। इसके लिए हम कौन सा इंजीनियरिंग करें और देश के अच्छे कॉलेज हमें कहां मिलेंगे? राजस्थान के अंदर तो टोटली 10-12 कॉलेज है, हम पंजाब जाए, गुजरात जाए, भैया बहुत इंडस्ट्री है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र निकल जाते हैं जी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, इधर कैसे जा सकते हैं? हाँ जी, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम ही रन करते हैं भैया। हाँ जी, आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लिया जाता, आप सिंपल कॉल करो, सारे के सारे सवाल पूछो, सारे के सारे जो डाउट है वो पूछो। भैया तुमको ग्रीन एनर्जी में जाना, तुमको रबर टेक्नोलॉजी में जाना है, तुमको सोलर सिस्टम में जाना है, तुमको चांद पर जाना है, तुमको आसमान में जाना है, तुमको एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करना है, तुमको फिजिक्स पढ़ना है, तुमको कंप्यूटर चिप बनाना है, हाँ जी क्या बनाना है तुमको, तुमको मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, तुमको स्टार्टअप करना है, क्या करना है तुमको, डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल लगा सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल सारा का सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट।